माशाल्लाह आज विजनरी गुरु इंस्टीट्यूशन की जानिब से उर्दू मस्कन के अंदर ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज पिछले 11 साल से इसी बाजू के इलाके में चलाया जा रहा है और इसके करस्पॉन्डेंट जो हैं हमारी मोहतरमा बिलकिस बेगम साहिबा हैं। अल्लाह के फजल व करम से आज यहाँ पर ये स्कूल कॉलेज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कॉलेज है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज पुराने शहर में आज अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। मैं इस हलके के एक खिदमत गुजार बल्कि एक MLA की हैसियत से मैं चंद दिन से यहाँ का MLA हूँ। मैं इससे कबल भी पिछले 25 साल से यापुरपुरे का MLA रहा। चूँकि इस तालीमी मैदान के अंदर मुझे भी काफ़ी लगन और शौक़ है, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होती है, उसमें शऊर पैदा होता है। खुसूस कर आज गरीब घरानों के अंदर कल तक जिनके माँ बाप बच्चों को तालीम दिलवाने का कभी तसव्वुर भी नहीं करे थे, लेकिन आज उनको भी ये शौक़ पैदा हुआ। वो बड़ी मेहनत के साथ रात और दिन मेहनत करके उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं आज। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल के अंदर गरीब ख़ानदानों के हज़ारों लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। खुसूस कर लड़कियों के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। जब एक ख़ानदान की लड़की जब तालीमी याफ्ता होती है तो उसके आइंदा जनरेशन तालीमी याफ्ता होते हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर काबिल बनते हैं। तो मैं बेहद खुशी के साथ मैं ये अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैं इस कॉलेज से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, चूँकि मेरे मुखलिस मेरे ब्रादरम जो मुझे इस लाइन में ढकल के लाए मेरे फारूक भाई साहब, चूँकि इस स्कूल के ताल्लुक से बहुत करीब से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इनसे काफ़ी देर बात करने का मौका हुआ, क्योंकि बुरा मत मानिए कि आजकल एजुकेशन को भी लोग कमर्शियल बना लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूशन बड़ी अच्छे अंदाज में चल रहा है। काफ़ी कम फीस लेकर यहाँ के बच्चों को तालीम दी जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला ये स्कूल आइंदा भी तरक्की करते रहेगा। तो मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमसे जो कुछ भी मुमकिन हो सके आप बराबर मेरी करस्पॉन्डेंट से मेरी गुजारिश है कि आप बिला खौफ व झिझक हम तक कहें, इंशाअल्लाह हमसे जो भी मुमकिन हो सके बराबर आपके लिए कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा अल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा विजनरी कॉलेज के तमाम इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान को। अभी अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और यहाँ पे जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम तलबा के परफॉर्मेंस के ऊपर उनके पेरेंट्स को भी अवार्ड दिया गया है। एक नई चीज़ मुझे देखने में आई है, क्योंकि ज़रूरी है कि माँ बाप को भी हिम्मत अफजाई करना है और माँ बाप इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि अभी अभी MLA साहब ने कहा, खान साहब ने, कि बेहतरीन अंदाज में ओल्ड सिटी में भी एजुकेशन के ऊपर काम चल रहा है। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे भी IPS IAS और मेडिसन और इंजीनियरिंग में रैंक हासिल कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे, आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज जो विजनरी कॉलेज का जो नाम है इसमें फारूक साहब का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बिलकिस फरजीन मैडम को, जो 11 साल से जद्दोजहद से अकेले मगर सिंगल लेडी होते हुए वो बच्चियों और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तालीम के लिए। अभी अभी हमारे कारपोरेटर साहब ने कहा, महमूद कादरी साहब ने, कि एक बच्ची का तालीम याफ्ता होना सिर्फ एक ख़ानदान का तालीम याफ्ता होना होता है और एक फ़र्द का जो तालीम याफ्ता होना होता है वो ख़ानदान को लेके चलने का रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ और बच्चे इसी तरीके से अगर
تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو آگے ہمارا فیوچر ہوگا. اور ساتھ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ابھی محمود بھائی نے ایک بات کہی کہ ہم کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آج کل جو ماحول ہو چکا ہے ہمارے ہندوستان کا, اسی ہندوستان کے ماحول کے حساب سے تعلیم بھی ضروری ہے, طاقت بھی ضروری ہے. کسی شاعر نے بہت خوب انداز میں کہا, محمود بھائی, ایک شاعر نے خوب انداز میں کہا کہ آج کا جو ماحول ہمارا ہو چکا ہے, تو شاعر کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, یہ ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. ہم تمام اسٹوڈنٹس کو, ہم تمام لوگوں کو اسی ملاحوں کا جو کشتی چلاتے ہیں, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. تو ہم کو کسی کے اوپر ڈپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے بچوں سے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی دعائیں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آخرت میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کی دعائیں لینا بہت ضروری ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے اور اس کا ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے. میں نے 3 آیت آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کی تھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. دوسری آیت اَنِشْكُرُوا لِوَالِدَيْكَ, تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. تیسری آیت جو ہے, آج کل کا جو ماحول ہو چکا ہے بچے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, اس کے اوپر قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو تم اف تک نہیں کہنا, ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے. تو یہ اگر چیزیں فالو ہوگی اور ماں باپ کی دعائیں لیں گے تو کامیابی وہ اسٹوڈنٹ کے قدم چومے گی اور وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا اور وہاں پر بھی کامیاب ہوگا. ایک شاعر نے بہت خوب انداز میں کہا, محمود بھائی, ایک شاعر کہتا ہے کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا, بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا, ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا. تو ماں باپ کی دعائیں ضروری ہے. اسی باتوں کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ویژنری کالج کو مبارکباد دیتا ہوں. اگر اسپورٹس کے لیے کچھ میری خدمات ہوں گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ میں ہوں. اسی باتوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.